हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे विराट और आरोही की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। प्रियंका की माँ प्रियंका के पापा को कहती है, पहले आप उस आरोही का पता लगाइए कि वो कौन है। आरोही खुद के बारे में अनजान थी, उसे तो बस इतना पता था कि वो अपने माँ बाबा की एक लौती बेटी है, पर सच तो कुछ और ही था। फिलहाल सच से पर्दा बाद में हटाएंगे। अब देखते हैं विराट और आरोही की कहानी में आगे क्या होता है। आरोही और विराट पूरी पार्टी की रौनक बढ़ा रहे थे। आरोही और विराट एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तभी आरोही के सामने विराट का दोस्त साहिल आता है और कहता है, हाय ब्यूटीफुल, आप मेरे साथ डांस करेंगी क्या? विराट आरोही को बस देखता ही रह गया। साहिल आरोही का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ डांस करने के लिए ले जाता है। आरोही साहिल को मना नहीं कर पाई और साहिल के साथ डांस करने के लिए चली गई। विराट को ये देखकर गुस्सा आने लगा। विराट ने सोच लिया कि साहिल के बच्चे को मैं छोड़ूंगा नहीं, इसे तो मैं देख लूंगा। दूसरी तरफ साहिल आरोही से प्यारी प्यारी बातें करता है और आरोही भी साहिल से जल्दी घुल मिल जाती है और उसे अब साहिल से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आरोही हंस हंस कर बातें करती है। तभी विराट कहता है, देखो आज पहली बार साहिल से मिली है, देखो कैसे चिपक रही है साहिल से, और जब भी मेरे साथ होती है तब मेरे साथ ऐसे व्यवहार करती है जैसे मुझ में कांटे लगे हों, इसको तो मैं देख ही लूँगा। तभी विराट एक वेटर को बुलवाता है और उसे कुछ कहता है। उसी वक्त लाइट चली जाती है। इस मौके का फ़ायदा विराट उठा लेता है और आरोही के पास चला जाता है। आरोही स्टेज पर साहिल से कुछ ही दूरी बनाकर खड़ी हुई थी। तभी विराट आरोही के पास जाता है और कहता है, वाह क्या डांस करती हो, पर ऐसे अनजान लोगों से चिपकना अच्छा है क्या? तुम्हें बिल्कुल भी अक्ल नहीं है लोगों से कैसे व्यवहार करना है। ये कहकर विराट आरोही को पीछे से पकड़ता है और उसकी गर्दन पर किस करता है और अपनी जगह वापस बैठ जाता है। आरोही विराट को तो देख नहीं पाई थी, पर विराट की आवाज़ आरोही नींद में भी पहचान पाती। आरोही कहती है, ये विराट ही था, इसे तो मैं देख ही लूँगी। विराट अपनी जगह आराम से बैठा था और बस आरोही को ही देखे जा रहा था। आरोही साहिल से कहती है, सॉरी साहिल, अब मेरा मूड नहीं है डांस करने का। आरोही अपनी बात कहकर विराट के पास जाती है और उसके पैर पर खड़ी रहती है और स्माइल देखकर कहती है, विराट तुम कितनी बेशर्मी की हद पार करोगे। विराट मासूम सी शक्ल बनाता है और कहता है, मैंने ऐसा भी क्या किया और तुम मेरे पैर पर खड़ी हो गई हो? आरोही मेरे पैर में दर्द हो रहा है। आरोही कहती है, तुम इसके ही लायक हो विराट कमीने कहीं के, तुमने मुझे किस कैसे किया और वो भी बिना परमिशन के। विराट कहता है, तुम्हें किसने कहा कि मैंने तुम्हें किस किया? आरोही कहती है, विराट मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ, तो तुम ये नाटक मेरे सामने मत करना, और तो और मैं तुम्हारी आवाज़ अच्छे से पहचानती हूँ। विराट कहता है, ये कोई सबूत नहीं हुआ, देखो मैं अपनी जगह पर बैठा हूँ, मैं जगह से हिला भी नहीं। आरोही कहती है, तुमसे बात करना मतलब किसी पागल से बात करने जैसा ही है। तभी पार्टी में विराट के पापा एक कोने से ये सारी बातें देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। आखिरकार उनके एक बेटे को किसी से सच्चा प्यार हो गया, पर ये उनका बेवकूफ बेटा अपने प्यार को समझता ही नहीं। पर विराट के पापा काफ़ी खुश थे, विराट को आखिरकार उनके दोस्त की बेटी से प्यार हो गया था। विराट के पापा विराट के पास आते हैं। तभी आरोही उनके गले लगती है और कहती है, अंकल आप कब आए? विराट के पापा कहते हैं, बेटा मैं तो तभी आया था जब तुम दोनों लड़ने में बिजी थे। आरोही को अब बुरा लगने लगा और वो कहती है, अंकल मैं पानी पीने जाती हूँ। आरोही वहाँ से खिसक जाती है। विराट और विराट के पापा अब अकेले खड़े थे। तभी विराट के पापा कहते हैं, विराट तुम्हारे और आरोही के बीच क्या चल रहा है? विराट कहता है, कुछ भी तो नहीं पापा, मैं बस उसे परेशान करता रहता हूँ, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा, हमारे बीच में वैसा कुछ भी नहीं है। विराट के पापा विराट के पास आते हैं और कहते हैं, मैंने कब कहा कुछ चल रहा है।
वैसे लाइट जाने के बाद क्या हुआ वो मैं जानता हूँ। विराट कहता है, क्या पापा कुछ भी नहीं हुआ, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। विराट के पापा कहते हैं, विराट मैं तुम्हारा बाप हूँ, बेटा सब जानता हूँ मैं, तुम क्या क्या करते हो। और एक बात याद रखना, आरोही मेरी बेटी की तरह है, अगर उसका दिल तोड़ दिया ना तो देख लेना, तुझे तो मैं सारी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दूंगा। विराट कहता है, गांव बसा नहीं और लुटेरे आ गए, पापा हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, मैं बस उसे परेशान करने के लिए ये सब करता रहता हूँ और कुछ भी नहीं। तभी उन दोनों के पास आरोही आती है और कहती है, अंकल ये लीजिए आपके लिए ड्रिंक। आरोही और विराट के पापा जो कप पे लड़ाने में बिजी हो गए। विराट कहता है, अरे इस आरोही में ऐसा भी क्या है जो सब लोग बस इसके पीछे पागल हो जा रहे हैं, मेरे खुद के पापा को भी इस कल की आई हुई आरोही पर भरोसा है, पर मुझ पे नहीं, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। विराट आरोही को गुस्से की नज़र से देखता है और कहता है, कल की आई हुई लड़की मेरे पापा को मुझसे छीन नहीं सकती। विराट अपने पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उसके पापा किसी और से इतना प्यार करे और खासकर आरोही को। और दूसरी तरफ आरोही विराट की पापा की तो लाडली बेटी बन चुकी थी। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है, अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे विराट और आरोही की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है आइए सुनते हैं। विराट आरोही को गुस्से की नज़र से देखता है और कहता है, तुमने ऐसा भी क्या जादू किया है मेरे पापा पर जो वो तुम्हें इतना पसंद कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे पापा के फेवरेट बनो, तो मेरे पापा से दूर रहो। आरोही कहती है, विराट अब तुम बच्चे नहीं रहे कि अपने पापा के लिए मुझसे लड़ रहे हो। विराट कहता है, अरे मैं कितना भी बड़ा हो जाऊं पर मेरे पापा सिर्फ मेरे पापा हैं, तो तुम उनसे दूर ही रहना, मैं नहीं चाहता मेरे पापा तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखें। आरोही कहती है, अरे कितने जलते हो मेरे से, मैं बस अंकल से अच्छे से बात ही तो की थी। विराट मन ही मन में कहता है, यही तो तुम्हारी खास बात है कि तुम किसी से एक बार बात करके उसका दिल अपने पास कर लेती हो। आरोही कहती है, कहाँ खो गए विराट। विराट कहता है, कुछ भी तो नहीं, वैसे तुम्हारी कमर का ये काला तिल जन्म से है या तुमने बनवाया है। आरोही अपनी कमर साड़ी से ढक लेती है और कहती है, बेशरम कहीं के, तुम्हें अक्ल ही नहीं है, तुम इतनी देर से मेरी कमर देख रहे थे। विराट कहता है, अब तुम दिखा रही हो तो मेरा क्या जाता है देखने के लिए। आरोही कहती है, तुम सच में कभी नहीं सुधरोगे और तुम अच्छा व्यवहार करोगे, ये सोचना भी बेकार है। विराट कहता है, मैं तुम्हारे जैसा तो नहीं हूँ जो किसी अनजान के साथ पहली मीटिंग में उसके साथ डांस करने में लग जाऊँ। आरोही कहती है, वो अनजान नहीं है, तुम्हारा तो दोस्त है ना। विराट कहता है, मेरा दोस्त है तुम्हारा नहीं, इसलिए वो तुम्हारे लिए अनजानी हुआ ना। तभी पार्टी में मानव और रिया आते हैं और एक दूसरे से कहते हैं, देखो फिर से ये दोनों लड़ रहे हैं। मानव रिया से कहता है, रिया तुम मेरी बात लिख कर ले लो, ये विराट और आरोही एक दूसरे को इतना प्यार करेंगे कि हमको भी पीछे छोड़ देंगे। रिया कहती है, मुझे नहीं लगता कि आरोही प्यार व्यार के चक्कर में पड़ेगी, अरे तुम्हें पता नहीं है आरोही प्यार से कितनी नफरत करती है। मानव कहता है, भाई ऐसा क्यों है। रिया कहती है, जब हम 10वीं में थे तो एक लड़के ने आरोही को प्रपोज किया तो आरोही ने उसे खींच कर एक थप्पड़ मार दिया, तब से आरोही की ओर किसी ने आंखें उठाकर भी देखने की हिम्मत तक नहीं की। और मैं उसके साथ रहती थी तो लड़के मुझसे भी बात करने से डरते थे, अरे हमारे आरोही को प्यार पे भरोसा ही नहीं है, उसे तो बस अपने पापा पर विश्वास है। आरोही हमेशा कहती रहती है, मेरे पापा मेरे लिए राजकुमार ढूंढेंगे, तो मुझे प्यार व्यार में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मानव कहता है, ओह तो ये बात है, क्या वैसे हमारे विराट बाबू अब आरोही को अपने प्यार में गिरने में कामयाब होते हैं या नहीं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। रिया कहती है, पहले खुद के रिलेशन पर ध्यान दो, बाद में उनके रिश्ते के बारे में सोच लो। मानव कहता है, जाने मन हम आपको तो अपना दिल पहले ही दे चुके हैं, बस आपको खुद को हमें सौंपने की ज़रूरत है।
रिया कहती है, मानव आपसे बात करने में कोई नहीं जीत सकता। मानव और रिया प्यार भरी बातें कर रहे थे, तभी आरोही की नज़र रिया पर जाती है। आरोही भागकर अपने दोस्त के पास जाती है और कहती है, थैंक गॉड रिया तू आ गई, अरे यार इस विराट ने तो मुझे पकाया। विराट आरोही के पीछे पीछे मानव के साथ खड़ा हो गया और मानव से कहने लगा, क्या भाई आज भी आप रिया के साथ अपने आसपास देखो भी ज़रा, कितनी हरियाली है, पर आपको तो अपनी सेक्रेटरी से फुर्सत मिले तो ना। मानव कहता है, ये हरियाली तुम्हें पसंद करती है, मुझे नहीं, और वैसे भी ये सारी लड़कियां पागल हैं, इसलिए मैं रिया के साथ ही खुश हूँ। विराट कहता है, इतनी ही रिया पसंद है तो भाभी बना दो मेरी। विराट की बात सुनकर मानव को खांसी आती है और वो कहता है, क्या कहा तुमने, अरे वो मेरी बस सेक्रेटरी है और कुछ भी नहीं। विराट बस मानव के मुंह से सुनना चाहता था कि वो कहे कि वो रिया से कितना प्यार करता है, इसलिए विराट कहता है, देखो भाई आपकी उम्र अब बढ़ रही है और दादी ने आपको एक लड़की पटाने के लिए कहा है, नहीं तो वो खुद आपको किसी भी लड़की के साथ शादी करने के लिए मजबूर कर देगी, तो आप सोच लो आपको रिया पसंद है तो घर वालों को बता दो, अरे भाई वो भी खुश हो जाएंगे। भाई यही सही वक्त है, नहीं तो आपकी प्यार की गाड़ी शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगी, तो आप सोच लो क्या करना है। विराट की बात मानव को भी सही लग रही थी, आखिरकार वो कब तक विराट से छुपता फिरता। मानव रिया को कमर से पकड़ता है और तभी आरोही और विराट एक दूसरे को देखते हैं। मानव कहता है, आरोही विराट मैं रिया से बेनतहा मोहब्बत करता हूँ और रिया से शादी करना चाहता हूँ। रिया मानव की बातें सुनकर हैरान होती है और आरोही की ओर देखती है और कहती है, मानव मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ पर शादी नहीं करना चाहती। रिया की बात सुनकर सब लोग हैरान होते हैं। मानव बोलता है, पर क्यों रिया तुम मुझसे सच में प्यार तो करती हो ना। रिया बिना कुछ बोले पार्टी से सीधे अपने घर निकल जाती है। तभी आरोही कहती है, भाई आपको पता नहीं है रिया ने शादी करने से क्यों मना कर दिया, मैं आपको सच बताती हूँ, रिया के मम्मी पापा ने लव मैरिज की थी और शादी के एक साल बाद उनको रिया हुई थी, पर उनकी शादी ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। अपने मम्मी पापा के रोज़ रोज़ के झगड़ों से रिया परेशान होकर हॉस्टल में रहने लगी। उसी दौरान रिया के मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया और उनकी गाड़ी खाई में गिर गई। रिया इस बात को कभी भी भुला नहीं पा रही है कि आखिरकार उनके एक दूसरे से लड़ने के कारण ही उनकी गाड़ी खाई में गिर गई थी। तो रिया को शादी पर से विश्वास ही उड़ चुका है। आपको रिया को थोड़ा समय देना होगा, तब जाके रिया आपके प्यार को समझ पाएगी। भाई मैं रिया को मनाने के लिए पूरी कोशिश करूँगी। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे विराट और आरोही की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है आइए सुनते हैं। आरोही विराट से कहती है, पागल इंसान तुम्हें पता भी है या नहीं हमने रिया और मानव को मिलवाने के लिए क्या क्या किया है। तभी विराट की माँ वहाँ पर आती है और कहती है, बेटा आरोही तुम आज यहाँ पर ही रह जाना। आरोही विराट की माँ को मना नहीं कर पाई। तभी विराट की माँ कहती है, ये विराट तुम्हें परेशान तो नहीं करता ना। आरोही कहती है, आंटी इस विराट ने मुझे कितना परेशान किया आप जानती नहीं। तभी विराट की माँ कहती है, बेटा कोई बात नहीं मैं इस विराट के बच्चे को अच्छा सबक सिखाऊंगी। आरोही विराट की तरफ देखकर एक शातिर मुस्कान देती है और कहती गई, अब अपनी खुद की माँ से तो बचकर दिखाओ तब जाके मैं मानूँ। विराट मन में ही कहता है, अब इसी बात की कमी थी जो आज पूरी हो गई, मेरी माँ को भी इस चालाक लड़की ने अपने साथ कर लिया है, इसे तो मैं आज सबक सिखा कर ही रहूँगा। विराट एक शातिर मुस्कान देता है और कहता है, हाँ माँ मैं आज से आरोही को बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगा। आरोही सोच में पड़ती है, ये बगड़ बिल्ला आज अचानक से कैसे इतनी जल्दी ये बात मान गया, इसके पीछे ज़रूर कोई बात है। पर आरोही इस बात को इग्नोर करती है और विराट की माँ के साथ आराम से चली जाती है। तभी विराट कहता है, आरोही तुमने ये गलती की है, अब देखो
मैं तुम्हें कैसे परेशान करता हूँ, और वैसे भी ये मेरा घर है, तो तुम मेरे घर के बाहर भी कहीं जा नहीं सकती। तुम्हारी जीत तुम्हारी हार में ना बदल दी तो मेरा नाम विराट मल्होत्रा नहीं। आरोही सबके साथ खाना खाने लगती है। विराट भी आरोही के सामने ही बैठ जाता है और मन में कहता है, आराम से खाना खा लो, शायद ये तुम्हारा मज़े से खाना खाने की आखिरी बार हो। आरोही को विराट का व्यवहार अजीब लगने लगा तो वो सोच में पड़ गई कि विराट आज उसके साथ कुछ तो करने वाला था। खाना खाने के बाद विराट के पापा और मम्मी आरोही से बातें करने लगे। जब आरोही को नींद आने लगी तो विराट की माँ ने आरोही के लिए गेस्ट रूम खुलवाया और उसे आराम करने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती है। विराट इसी बात का तो इंतज़ार कर रहा था कि कब उसे आरोही अकेले में मिले। विराट को अपना चांस मिल ही गया। तब विराट चुपके से आरोही के कमरे में घुसा और उसके मुंह पर एक चादर रख दिया, जैसे कि आरोही इसे देख ना सके। विराट आवाज़ बदल कर कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस कमरे में आने की, ये मेरा कमरा है, सिर्फ मेरा, निकलो मेरे घर से। मेरे विराट के पास तुम क्या कर रही थी, मुझे तुम्हारा यहाँ मेरे घर पर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। विराट ने आरोही को डराने के लिए बैकग्राउंड में डरावने सॉन्ग लगाए हुए थे। विराट को लगा आरोही अब डर गई है, तो विराट भागकर अपने कमरे में जाता है। आरोही डरकर अपने आसपास देखने लगी तो उसे वहाँ पर कोई नहीं मिला। आरोही इतनी डर गई थी कि उसे पूरी रात नींद नहीं आई और वहाँ दूसरी तरफ विराट घोड़े पेचकर सोया हुआ था। आरोही को पता ही नहीं चला कि वो सब सपना था कि हकीकत। विराट ने उसे इस कदर डरा दिया था, आरोही को अब सच में ही लगने लगा कि भूत होते हैं। दूसरी तरफ मानव रिया को छोड़ने के लिए उसके घर गया था, तभी आरोही का उसे कॉल आता है और आरोही कहती है, भाई मैं आज अपने घर पर नहीं रहने वाली, तो आप इस बात का फ़ायदा उठा लो और रिया को आज अच्छी तरीके से शादी के लिए प्रपोज करो। मानव कहता है, पर आरोही मैंने कोई तैयारी नहीं की। आरोही कहती है, जब तक आपकी ये बहन है तब तक आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, मैंने ऑलरेडी सारे इंतज़ाम करवा दिए हैं, वो भी रिया के मनपसंद। और आप एक बात याद रखना, आपको ये कहना है कि ये सब आपने ही किया है, मुझे इसमें ज़बरदस्ती घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है। मानव कहता है, यार आरोही तू सच में ही मेरी बहन है, तुझे सच में मेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने आते हैं। आरोही कहती है, बस भी करो भाई और घर खोलकर रिया को सरप्राइज देना मत भूलना। आरोही के कहने के अनुसार मानव रिया को घर में ले गया और देखा तो पूरा घर अंधेरे में डूब चुका था। तभी रिया कहती है, मानव आप रुको मैं लाइट जला देती हूँ। रिया जैसे ही लाइट जला देती है वैसे ही पूरे रूम में लाइट की झगमगाहट होती है। रिया बस देखती ही रह गई। तब मानव ने कहा, तो मिस रिया आप मेरे साथ डिनर करना पसंद करोगी क्या। रिया को विश्वास नहीं था कि मानव उसके लिए इतना सब कुछ करेगा। रिया और मानव उस रोमांटिक डिनर का आनंद ले रहे थे जिसे आरोही ने प्लान किया था। रिया खुशी से डिनर करती है और मानव तभी रिया को शादी के लिए प्रपोज करता है और रिया भी उसे हाँ कर देती है। दूसरी तरफ आरोही सोने की कोशिश कर रही थी पर वो कुछ भी करके सो नहीं पा रही थी। तभी आरोही को लगा कि विराट के रूम में जाकर देखना चाहिए कि वो सोया है या नहीं। आरोही चुपचाप अपने कमरे में से निकलकर विराट के कमरे में जाती है और विराट को आराम से सोया देख कहती है, अरे यार ये तो आराम से सोया है और मैं खामखा इस पर शक कर रही थी। विराट को पता था कि आरोही ऐसा ही कुछ करेगी, इसलिए विराट पहले ही सो गया था। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। तो क्या होगा जब आरोही को पता चलेगा कि वो भूत और कोई नहीं विराट मल्होत्रा है। तो देखना ये दिलचस्प होगा कि आरोही कैसे बदला लेगी विराट से। तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें, बाय दोस्तों।